मतलब अभी कनेक्ट, मतलब फेस टू फेस हुआ है आपसे, सो क्या चल रहा है आपका? एक्चुअली हो रही है बहुत जल्दी बारिश, और ऐसा था कि मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले दिखा है, आपने देखा कि क्या बना था आज घर पे और आज क्या था, और बस वही था। तो खाना वाना हो गया था, खाना होने के बाद हम लोग अभी जाने वाले थे बाहर, मतलब क्या बोलते हैं, सेकेंड वाली सिस्टर आई हुई थी, तो बोले कि चलो आज बाहर जाते हैं, मतलब मार्केट जाने को सामान लेने के लिए। तो बस उसी के लिए वो आई थी, जस्ट वो पहुँची घर पर, और मैं खाना खा के उठी हूँ कि बहुत तेज़ बारिश आ रही थी, मतलब आ रही है, अभी भी बारिश आ रही है, देख के तो लग नहीं रहा था कि बारिश आएंगी, बट इतनी तेज़ धूप थी, और तेज़ धूप के साथ पता नहीं कैसे कैसा ऐसे क्या बारिश आ रही है, तो बहुत तेज़ बारिश आ रही है। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ, तो जैसे भी अगर बारिश रुकती है तो फिर हम लोग जाते हैं, तो फिर बता दो कि हम कहाँ जाने वाले थे। ठीक है, पितृमोक्ष में जिसमें आज हम विदाई दे रहे थे हमारे पूजों को, क्योंकि नवरात्रि आ रही थी, इसीलिए तो नवरात्रि की साफ सफाई करना होता है, इसलिए तो बस उसी का था वो खाने का। तो मैं सो फ्रेंड्स, यहाँ बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी, तो मैं जाके रेस्ट कर ली थी, बाद में मैं शाम को उठी तो देखा यहाँ से एरोप्लेन जा रहा था, जिस मैंने हल्का सा शूट ले लिया। मेरा भी सपना है कि मैं अपनी फैमिली को बस में बिठाऊँ, और ये बहुत जल्द पूरा होगा। हाय फ्रेंड्स, मैं वापस आ गई हूँ कनेक्ट होने के लिए। एक्चुअली ये था कि मैं जब भी बारिश हो रही थी, और मैंने आपको बोला था कि मैं बाहर जाने वाली हूँ, बट बारिश रुकी नहीं थी, थोड़ा टाइम के लिए रुकी थी, फिर कंटिन्यू होने लग गई थी। सो फिर मैं जाके रेस्ट कर ली थी, मतलब सो गई थी। फर्स्ट टाइम था कि मैं इतना सो रही हूँ, जिसकी कोई हद नहीं है, नहीं तो ऐसे सोती नहीं हूँ मैं, मतलब आफ्टरनून में कभी सोती नहीं हूँ, जब मेरा वीक ऑफ रहता है। सो मैं सो गई थी, फिर अभी आज का मौसम बहुत अच्छा था, मतलब इवनिंग का, तो मैंने सोचा बहुत टाइम हो गया कि मैंने रील शूट नहीं किया है, तो मैं जाके रील शूट करती हूँ। तो मैंने ज़्यादा नहीं शूट किया, बस जस्ट एक ही शूट किया था, मतलब थोड़ा लेट आई थी मैं, और अभी देख रहे हैं इवनिंग का समय, मतलब इतना ये हो चुका है कि थोड़ा अंधेरा अंधेरा सा हो गया है, तो मैं ज़्यादा शूट नहीं कर पाई थी, जस्ट एक ही शूट करी हूँ। और ऊपर आई तो उतने में मम्मी का फ़ोन आ गया कि नीचे आओ जल्दी, बाहर चल रहे करके। सो ऐसा ही होता है मेरे साथ में, मैं सोचती हूँ ना जब भी कुछ करने की, इसलिए मैं ना, मतलब जब रील्स बनाना होता है, आप मेरे इंस्टाग्राम में मुझे फॉलो कर सकते हो, imahiaret मेरा इंस्टाग्राम आईडी है, तो आप उसमें मुझे फॉलो कर सकते हो, देखना उसमें मेरी नॉर्मल ही वीडियो दिखेंगी, मतलब बहुत रेयर रहेंगी जो मैं मतलब रेडी होके करती हूँ। सो और एक तो इतना ये था कि मैंने लास्ट लॉकडाउन में जब मैंने रील्स बनाया था, काफ़ी टाइम पहले की बात है, तो अभी रिसेंटली जब लॉकडाउन लगा था तो मैंने जो रील्स बनाई थी, तो मैं मतलब वर्क फ्रॉम होम ही शुरू था हमारा, तो मैंने वही बनाया था, और मैंने क्या क्या वीडियो बनाते गई उसे ड्राफ्ट में सेव करती गई, और मेरी मतलब 20 to 25 वीडियो ऐसी है जो पूरी करप्ट हो गई है, अच्छी वीडियो। तो इसलिए फिर मैं सोचती हूँ कि जाने दे यार, मैं जब रील्स बनाती हूँ तो नॉर्मली बनाती हूँ, और वो अच्छी बन भी जाती है। सो खैर कोई नहीं, अभी भी मुझे शूट करने नहीं मिला, और मैं जा रही हूँ अब नीचे, एक्चुअली जाने बोलते मार्केट, तो देखते कहाँ जाने बोलती है मम्मी, तो मैं जा रही हूँ नीचे। तो मेरा बैड लक ही होता है कि मैं जहाँ रेडी हुई और जहाँ शूट करने लगी तो वो होता ही नहीं है। सो खैर कोई नहीं, मैं मिलती हूँ थोड़ी देर से फिर आपसे, देखते आज क्या है, आज हम नाइट तक बने रहेंगे। सो फ्रेंड्स, आज मुझे जाना था, मतलब आज मैं कितनी बार बोली कि मुझे जाना था, बट एक भी बार में मुझे कहीं जाने नहीं मिला, बारिश की वजह से जा ही नहीं पाए हम लोग कहीं पे भी। सो फिर मैं शाम को मम्मी के काम से बाहर की थी, एक्चुअली घर का ही काम था, घर का काम शुरू है, टाइम देख लीजिए, घर का काम शुरू है। सो लाइट की ज़रूरत थी तो मैं लाइट लाने के लिए गई थी, लाइट लाने के बाद मैं वहाँ से आई फ्रेश हुई, और फिर दीदी के घर चले गई थी। एक्चुअली रिसेंटली दीदी बिलासपुर से नागपुर शिफ्ट हुई है, दीदी जिया जी उनकी शफलिंग हुई है, तो वो बिलासपुर से नागपुर शिफ्ट हुए हैं, तो मैं उनका घर मतलब जमाने के लिए गई थी,
अरेंज करने गई थी सारा सामान उनका वाला, काफ़ी टाइम से दीदी वेट कर रही थी, बट आज मेरा वीकअप था तो मैं फाइनल चली गई थी। तो फिर मैं वही थी, टाइम बहुत हो गया था, तो फिर मैं घर आई और फिर मुझे खाना खाने का मन नहीं कर रहा था, तो फिर मैंने अपने लिए उपमा बनाया था। तो ऐसा नहीं होता है मेरे को ना, जब भी भूख लगती है रात में, चाहे 2 बजे या 2:30 बजे 3 बजे, तो मैं उठ के खा लेती हूँ, तो मुझे ऐसा कुछ ये नहीं रहता है। तो देखें मेरा उपमा भी रेडी हो चुका है। मैंने ये सारा व्लॉग रैंडमली शूट किया हुआ था, आई होप आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो प्लीज़ इसे लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलना। मैं मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, और मेरी इस वीडियो को बहुत सारा प्यार देना मुझे भी। बाय बाय।